ये है एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में देखा कि मैंने बनाया आयरन आर्मर और इस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ घर। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन वीडियो। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से डिगिंग चालू करता हूँ क्योंकि मेरे को एक बॉर्डर बनाना है अपने घर का। तो फटाफट चालू करता हूँ और अभी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो बना दिया, अभी इसको पूरा डिग करना चालू करते हैं। तो इधर पे अभी मैं अपना आउटर बेस बनाना चालू करता हूँ क्योंकि बेस सबसे जरूरी है, तभी पूरा घर बनेगा। तो अभी बेस बनाते बनाते मेरे को रात हो चुकी है, तो अभी फटाक से उतरते हैं और चलते हैं सोने के लिए। ये आराम से नींद लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी अपना काम वापस चालू करते हैं। तो गाइस इधर पे अभी सैंड लगा देती है क्योंकि मेरे को और भी शुगर केन उगाने हैं और मेरे को ये ग्लास भी चाहिए अपने घर बनाने के लिए। तो एक इधर पे रख देते हैं और अभी मैं चलता हूँ इसको स्मेल करना क्योंकि मेरे को ग्लास भी चाहिए घर बनाने के लिए। मैंने अभी 12 ले लिया है, ये खाना निकालते हैं उसको रख देते हैं। चलिए चालू करता हूँ, अपने कैलकुलेशन बदल देता हूँ और वही घर पे अपने नया घर होने का। ये तो होना ही था पहले। तो अभी तो इधर मेरे को एक डॉग मिला है तो इसको फटाक से टेम करते हैं। हो गया, चलो 4 में हो गया। वैसे ये डॉग नहीं है, ये भूल गया। तो गाइस अभी मेरा बन चुका है अभी बस। तो गाइस आपका हमने काफ़ी सारे इसमें देखा होगा घर में कि आजू बाजू वो फेंस लगाते हैं विंडोज़ के पास और बाकी में स्लैब्स लगा लेते हैं। तो स्लैब्स भी मेरे को लगाना है पर उससे पहले मैं फटाक से फेंस लगा लेता हूँ। तो अभी रात हो गई है तो इसको भी सो जाते हैं पर उससे पहले ये फेंस जो है इसमें रख देते हैं और अभी सो जाते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह स्लैब लगाना चालू करेंगे। तो अभी मैंने स्लैब भी क्राफ्ट कर लिया है। और स्लैब भी मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं ट्रैप डोर और वो लगा देता हूँ। फटाक से ट्रैप डोर क्राफ्ट कर। ये क्या है, ट्रेजर बुक सेल्फ? ये कुछ नया है क्या गाइस? मेरे को तो नहीं पता ये क्या है, पता नहीं गाइस। तो अभी मैं फटाक से ट्रैप डोर बनाता हूँ। 1, 2, 4, 2 लगेंगे, 4, 6, 8 और तो मैंने 10 बना लिए गाइस। और अभी फटाक से अपने डर्ट निकालता हूँ हाँ और ये लगाना चालू करता हूँ।
तो गाइस अभी मैंने फेंस और डर्ट भी लगा दिया है, और अभी डोर तो मैं भूल ही गया था, अब बारी है रूफ की। और गाइस मैं वो भी भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फ्लोरिंग्स भी भूल गया, सीलिंग। तो इसके लिए मैं बिर्च वुड लगा लेता हूँ, मतलब मैं ऐसा ना एक पैटर्न में बनाने वाला हूँ। तो बिर्च वुड लगा दिया और मैंने ओक वुड लगा दिया, ऐसा वाला पैटर्न। गाइज अभी मेरा वो तो बन गया है फ्लोरिंग, और इधर पे ये ऊपर रखते हैं। और एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, ये देखो यहाँ पे जो है ना गाइज दो दो लग गया, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है भाई। कोई बात नहीं, कोई उतना भी नोटिस करेगा नहीं, सबको फ्लोरिंग थोड़ी देखने का है, आजू बाजू देख लेंगे सब लोग। इधर एक और वुल्फ था भाई, एक ही में टेम हो गया, तो अभी इसको अंदर रख देते हैं क्योंकि मेरे कोई काम का तो है नहीं अभी ये। और अब फाइनली बारी है रूफ की। तो गाइज़ अभी इंटीरियर की बारी है, मैं फटाफट मैंने इंटीरियर में कुछ लगाया है। तो चिल्ड्रन बुक शेल्फ है पहले। गाइज़ मैं एक काम करता हूँ, ये इंटीरियर जो है ना बाद में बना लूँगा।